स्वागत आप सबका। आप देख रहे हैं स्कॉटलैंड वर्सेस न्यूजीलैंड फर्स्ट ओडीआई मैच रिव्यू, जो खेला जाएगा गर्नेज क्रिकेट क्लब एडिनबरा पे। मैच टाइमिंग दोपहर के 3:30 बजे। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लो। लिंक ऑफ द टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन प्लस कमेंट सेक्शन के अंदर आपको सबसे टॉप पे पिन करा हुआ मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे पिच रिपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। इस वेन्यू के ऊपर लास्ट ओडीआई का मैच खेला गया था 21 मई 2019 को, करीबन 3 साल पहले। मैच था स्कॉटलैंड वर्सेस श्रीलंका के बीच में। तो अपन ने उस मैच के अंदर क्या देखा था, क्या सीखा था, आपको यहाँ पे स्टैट्स के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। और आपको ध्यान देना है, जो पिच दोस्तों पर रहने वाली है एडिनबरा की, ये दोस्तों यूज पिच हो सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट T20 भी खेला गया था अभी हफ्ते भर के अंदर। यहाँ पे 2 T20 मैचेस हुए थे, ठीक है। और जो लास्ट T20 मैच हुआ था वो दोस्तों यूज पिच पे हुआ था। तो मेरे को लग रहा है दोस्तों यहाँ पर भी यूज पिच का इस्तेमाल करा जा सकता है। अगर फ्रेश पिच होगी तो मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर बता दूंगा, जैसे आमतौर पर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे इस वेन्यू के ऊपर जब भी मैचेस हुए ना एडिनबरा पे, तो बैटर फ्रेंडली पिच रही है दोस्तों, बहुत रन बनते हैं और यहाँ पे पेसर्स भी डोमिनेट करते हैं। और मिडिल ओवर्स के अंदर दोस्तों हल्का सा हेल्प स्पिनर्स को मिलता है, पर ओडीआई के अंदर इतना ज़्यादा हेल्प यहाँ पे स्पिनर्स को नहीं मिला है। अब देखो स्वैनी के ऊपर स्कॉटलैंड ने अपने लास्ट 6 मैचेस के अंदर स्वैनी के ऊपर 3 मैच जीते हैं और 3 मैच हारे हैं। एक मैच जो सबको याद होगा जिसके अंदर स्कॉटलैंड ने ना इंग्लैंड को हरा दिया था, वो दोस्तों इसी वेन्यू के ऊपर हुआ था वो, ठीक है। आई थिंक 2-3 साल पहले की बात है। अब देखो इस वेन्यू के ऊपर न्यूजीलैंड एक भी मैच नहीं खेली है। अब एक और चीज़ आपको ध्यान देनी है, जो टीम इस वेन्यू के ऊपर लास्ट 3 ODI मैच खेली है ना, वो तीनों दोस्तों पर जो टीम बैट फर्स्ट करी है वो जीती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे औसतन स्कोर 250-300 आपको बनता हुआ दिखेगा। और यहाँ पर जो लास्ट 3 यहाँ पे ODI के मैचेस हुए थे उनके अंदर दोस्तों पे क्या हुआ था, ये आपको ध्यान देना है। तो देखो यहाँ पे लास्ट 3 मैचेस के अंदर यहाँ पे पेसर्स ने, तेज गेंदबाजों ने 30 विकेट निकाले हैं। पहली पारी के अंदर 15 है, दूसरी पारी के अंदर भी 15 है, तो कोई भेदभाव नहीं हुआ दोस्तों पे। दोनों पारी के अंदर पेसर्स को बराबर विकेट मिले हैं फर्स्ट और सेकंड इनिंग्स के अंदर। अब देखो यहाँ पे राइट आर्म पेसर के 29 विकेट्स है, लेफ्ट आर्म पेसर के यहाँ पे 1 विकेट है। बात करते हैं दोस्तों स्पिनर्स की, तो स्पिनर्स ने यहाँ पे लास्ट 3 मैच के अंदर 9 विकेट निकाले हैं। इतने ज़्यादा विकेट नहीं है, लेकिन दोस्तों इस सीरीज के अंदर विकेट्स गिर सकते हैं। सीरीज क्या बोल रहा हूँ यार मैं आपसे, ये तो सिर्फ एक ही ODI मैच है, ठीक है। ये सिर्फ एक ही ODI मैच है, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। 1 and 2 ODI मैच है यहाँ पे, ऐसा कोई 3 मैच की सीरीज नहीं है ये। अब देखो इस वेन्यू के ऊपर लास्ट 3 मैचेस के अंदर स्पिनर्स ने 9 विकेट निकाले हैं। पहली पारी के अंदर 5 है, दूसरी पारी के अंदर 4 है। ऑफ स्पिनर्स का 3 विकेट है, लेग स्पिनर्स का 2 विकेट है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स का यहाँ पे 4 विकेट है, ठीक है। जो लास्ट मैच यहाँ पे खेला गया था स्कॉटलैंड वर्सेस श्रीलंका के बीच में मैच था, 21 मई 2019 की बात है, जो लास्ट ODI यहाँ पे हुआ था। उस मैच के अंदर यहाँ पे 12 विकेट पेसर्स ने निकाला था और 3 विकेट दोस्तों पे स्पिनर ने निकाले थे। शॉकिंग चीज क्या है, 3 विकेट दोस्तों यहाँ पे किसने निकाला था पता आपको, जो स्कॉटलैंड के गेंदबाज उन्होंने निकाला था स्पिनर्स ने, ना कि दोस्तों श्रीलंका के स्पिनर ने। आमतौर पर क्या होता है, एशिया के जो गेंदबाज होते हैं वो स्पिनर्स रहते हैं ज़्यादातर, विकेट्स निकालते हैं। अब देखो यहाँ पे क्लाउडी वेदर फोरकास्ट यहाँ पे रहने वाला है, बारिश आ सकती है दोस्तों, आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखो आप, ये मैच वहाँ पे 11 बजे के आसपास स्टार्ट होगा, तो वहाँ पे लाइट रेन है। पर अपन बात करते हैं आगे क्या होगा, फिर 12 बजे भी लाइट रेन, 1 बजे भी लाइट रेन, 2 बजे लाइट रेन, 3 बजे से लाइट रेन, फिर 4 बजे यहाँ पे मोस्टली क्लाउडी वेदर रहेगा, रेन के चांसेस कम हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैच तो दोस्तों होना चाहिए मोस्टली, जितना मुझे लग रहा है, चाहे मैच छोटा हो लेकिन मैच पूरा होगा यहाँ पे, ठीक है। पूरा मतलब इन द सेंस कि रिजल्ट आएगा पूरा मैच, मतलब यही था मेरे कहने का, मतलब ये नहीं कि 50 ओवर हो जाएगा 3-4 घंटे बाद अगर मैच स्टार्ट होता है, तो ऐसा नहीं है। न्यूज़ की बात करते हैं तो यहाँ पे स्कॉटलैंड की तरफ से काइल कॉडजर वापसी कर रहे हैं। न्यूजीलैंड की बात करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों टॉम लैथम वापसी कर रहे हैं, एक अच्छी चीज़ है। मैट हेनरी वापसी कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे दोनों टीम्स ने आपस के अंदर यहाँ पर कितने मैचेस खेले हैं, 3 यहाँ पे दोस्तों ODI मैचेस खेले हैं और यहाँ पे दोस्तों न्यूजीलैंड 3 जीती है। लाइनअप्स की बात करते हैं यहाँ पर, तो आपको ध्यान देना है स्कॉटलैंड की तरफ से काइल कॉडजर ओपनिंग करेंगे यहाँ पे मैट क्रॉस के साथ। आमतौर पर मैथ्यू क्रॉस ओपन करते हैं, कुलम मैकलोड 1 डाउन आते हैं ODI के अंदर, रिचर्ड बैरिंगटन 2 डाउन, जॉर्ज मंची दोस्तों 3 डाउन आते हैं। चीज आपको पता रहनी चाहिए कि ODI के अंदर जॉर्ज मंची ओपनिंग नहीं करते हैं। क्रिस ग्रीव्स यहाँ पे राइटी बैटर लेग स्पिनर है, फिर आएंगे मार्क वाट लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है जो बैट करना भी जानते हैं। शफिन शरीफ राइट आर्म मीडियम फास्ट गेंदबाज है, अलेसदर इवांस यहाँ पे राइट आर्म मीडियम फास्ट, हमजा ताहिर लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है। गेवन मैन ने दोस्तों लास्ट मैच में दिखाया था बैट कर सकता है बंदा, राइट आर्म मीडियम पेस गेंदबाज है, ठीक है। गेवन मैन कैन बैट, ये चीज आपको ध्यान देनी है। और बेंच के ऊपर माइकल लिस्क रहेगा, ओलिवर हैरिस, एडर निल, मिचेल जोन्स रहेगा, अच्छा खिलाड़ी है वैसे तो ये। क्रिस वोल भी दोस्तों अच्छा गेंदबाज है ODI के अंदर। न्यूजीलैंड की बात करते हैं तो मार्टिन गप्टिल ओपन करेंगे फिन एलन के साथ, विलियम यहाँ पे 1 डाउन आएंगे, टॉम लैथम 2 डाउन, कैप्टनसी विकेट कीपर आएंगे और
हैंडे निकल्स, ग्लेन फिलिप्स, माइकल ब्रासवेल, मिस सैटनर, शायद कैप्टनसी दोस्तों मिस सैटनर को मिल चुकी जितना मेरे को पता ओडीआई के अंदर भी जब केन विलियमसन नहीं रहते हैं तो मैट हेनरी आएंगे, इस जोड़ी लुकी फर्गसन आपको खेलते हुए दिखेंगे। चलते हैं दोस्तों यहाँ पे हेड टू हेड स्टैट्स की तरफ। मैं आपको बताना चाहूंगा ये दोनों टीम्स ने दोस्तों हेड टू हेड मैचेस भी खेले हैं और यहाँ पे मैं आपको ओडीडी स्टैट्स भी दूंगा। ओडीडी मतलब क्या होता है, वन डे डोमेस्टिक, एक दिवसीय घरेलू मैचेस, जो 50 ओवर के मैचेस होते हैं ना उसमें किसने कैसा परफॉर्मेंस दिया है। तो मैट्यू ग्रॉस ने यहाँ पर आप देखो जो मैथ्यू ग्रॉस है ना, इसने 97 मैच खेले आज तक ओडीडी के अंदर, 23 की औसत है, 2000 के ऊपर रन है। और यहाँ पर हेड टू हेड के अंदर मैथ्यू ग्रॉस का यहाँ पे 14 रन है बैट फर्स्ट। काइल कॉट्जर की बात करते हैं, इनका 187 मैच खेले उन्होंने आज तक ओडीडी के अंदर, 50 ओवर के 187 मैच खेले हैं, 37 की औसत है, 6000 के ऊपर रन है। दोस्तों क्लास प्लेयर है, क्लास स्टैट्स इस बंदे के यहाँ पर, और रिसेंट फॉर्म बहुत बड़ा कंसर्न है, इसलिए दोस्तों उन्होंने T20I से ड्रॉप लिया था, इंटरनेशनल से रिटायरमेंट ले लिया है। और एक रन बैट फर्स्ट है इनका दोस्तों, कुछ इशू भी हुआ था एक, अगर आप दोस्तों ट्विटर वगैरह फॉलो करते हो उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दूंगा मैं, लेकिन इनका इशू हो गया था। अब यहाँ पे बात करते हैं कुलम मैकलोड की, 156 मैच खेले ओडीडी के अंदर, 29 की औसत है, 4000 के आसपास रन से। दोस्तों बहुत बढ़िया प्लेयर है, हेड टू हेड के अंदर तो जीरो करा है, लेकिन प्लेयर दोस्तों बहुत बड़ा है और रिवेन्यू पे भी बहुत अच्छे स्टार्ट्स है। बैरिंगटन की बात करते हैं, 163 मैच खेले ओडीडी के अंदर, 4000 रन है, 64 विकेट है, 30 की औसत है। हेड टू हेड के अंदर 7 रन और 50 रन है बैट फर्स्ट करते हुए। जॉर्ज मंसी का 67 मैच ओडीडी के अंदर, 1500 रन है, 38 की औसत है, हेड टू हेड नहीं खेला है। और यहाँ पे दोस्तों क्रिस ग्रीव्स ने 8 मैचेस के अंदर 6 विकेट निकाला है ओडीडी के अंदर, 131 रन है। मार्क वाट ने 57 मैचेस खेले हैं ओडीडी के अंदर, 62 विकेट्स है, 305 रन है। शेफिन शरीफ का 88 मैच के अंदर 119 विकेट है, 616 रन है। अलजी रिवांस का 68 में 84 विकेट्स हैं और हमजा तैर का 25 मैच में 39 विकेट, अच्छी गेंदबाजी करते हैं। गेवन मैन का 16 मैच में 35 विकेट है। ओलिवर हैरिस का 11 मैच में 159 रन है। माइकल लिस का 75 मैच में 50 विकेट है, 989 रन है। माइकल जोन्स का यहाँ पे 8 मैच के अंदर 281 रन है, 35 की औसत है मिचेल जोन्स का। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे किसकी, माइकल ये मिचेल नहीं है, ठीक है, मिचेल में MITCHELL आता है। क्रिस सोल 19 मैच 37 विकेट है। अडेन नील 12 मैचेस के अंदर 20 विकेट है। क्रेग वॉलेंस का यहाँ पे दोस्तों 62 मैच के अंदर 824 रन, 18 की औसत है। और फिर यहाँ पे क्रिस एमसी ब्रिज ने भी खेला है ओडीडी, 4 मैच में 23 रन है। स्टार्टिंग ओवर शेफन शरीफ, अलजरी वांस, गेवन मैन आएंगे। डेथ के अंदर शेफन शरीफ, अलजरी वांस, मार्क वाट, गेवन मैन। बात करते हैं यहाँ पे न्यूजीलैंड टीम की, मार्टिन गप्तिल ने ओडीडी के अंदर 264 मैचेस खेले हैं भाई साहब और 10000 के ऊपर रन है, 43 की औसत है। हेड टू के अंदर 17 करा था उन्होंने चेस करते हुए। फिन एलन का 30 मैच के अंदर ओडीडी के अंदर 844 रन, 28 की औसत है। विल यंग 71 मैच और 25 रन से 38 की औसत है। अगेंस्ट इन्होंने आयरलैंड भाई साहब 3 मैच के अंदर 6 रन बनाया था, बहुत खराब परफॉर्मेंस आया था। प्लेयर दोस्तों बहुत बड़ा है ये, मैंने इनको 2 मैचेस में पिक भी करा था, फर्स्ट और सेकंड ओडीआई में, तीसरे में भाई पिक नहीं किया मैंने क्योंकि भाई साहब लग ही नहीं रहा था चलेगा। मैं अब कह सकता हूं दोस्तों आपसे ये प्लेयर में बहुत दम है। विल यंग के अंदर इज अ क्लास प्लेयर, क्लास एक्टर पूरा ये। टॉम लैथम 186 मैच 36 के औसत है, 5400 के आसपास रन है इनका ओडीडी के अंदर। हेनरी निकल्स ने आप ओडीडी के अंदर 122 मैच खेले हैं, 45 की औसत है और 4300 के आसपास रन है। आमतौर पर दोस्तों यार हेनरी निकल्स टॉप ऑर्डर में खेलते हैं, आप इनको कम मिडल ऑर्डर में भेज रहे हो। वर्ल्ड कप वगैरह जब होता है, जब केन विलियमसन टीम में आ जाएंगे, बड़े बड़े प्लेयर्स आ जाएंगे टीम सऊदी, तब भाई साहब आपको यहाँ पे फिन एलन को बाहर करना पड़ेगा और हेनरी निकल्स को ओपन कराना पड़ेगा। पता नहीं दोस्तों न्यूजीलैंड टीम भी क्या एक्सपेरिमेंट करती रहती है। फिर यहाँ पे देखो ग्लेन फिलिप्स का 50 मैच में 1700 रन, 36 की औसत, 13 विकेट से ओडीडी के अंदर। ब्रेसवेल का यहाँ पर 115 मैच के अंदर 34 की औसत, तो बहुत अच्छे फॉर्म में ये 2022 इनके पूरा नाम गया है और 3445 रन, 30 विकेट है। मिस सैटनर का 106 मैच के अंदर 117 विकेट है और 1600 रन, अच्छे खिलाड़ी हैं दोस्तों मिस सैटनर और स्मार्ट स्पिनर है। मैट हेनरी का 135 मैच में 220 विकेट है, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस जोड़ी का 92 मैच में 125 विकेट है। लुकी फर्गसन का ओडीडी के अंदर 77 मैच में 142 विकेट्स है। ब्लैक टिकनर 38 मैच 47 विकेट्स इनका ओडीडी के अंदर। चलते हैं यहाँ पे और भी प्लेयर्स के स्टैट्स दिए हैं, बैंस टेरेस के दिए, रिपॉन के, नीशम के दिए, डैरिल मिचेल, मार्क चैपमैन, सबके स्टैट्स उन्होंने दे रखे हैं। स्टार्टिंग ओवर मैट हेनरी, लुकी फर्गसन, डेथ के अंदर आएंगे लुकी फर्गसन, मैट हेनरी, ब्लैक टिकनर, तो डफी। बात करते हैं मैन्यू स्टैट्स की दोस्तों, यहाँ पे स्कॉटलैंड के प्लेयर्स ने खेला हुआ है, जिनका होम ग्राउंड ही है वैसे। मैट क्रॉस ने यहाँ पे 8 मैच खेले हैं, 26 के औसत है, 2000 गलत सुन रहे हो आप, 209 रन है, ठीक है, 2000 नहीं है, 8 मैच में 2000 रन भाई साहब, ये तो सर डॉन ब्रेडमैन वगैरह का परदादा बन जाएगा फिर तो, ऐसे स्कोर करेगा तो। ये बैट फर्स्ट 1 13 33 3 48 32,
चेस के ओवर 55 और 24 है। काइल कॉटजर की बात करते हैं, 15 मैच 52 की औसत है, 736 रन है, अच्छा परफॉर्मेंस है। और काइल कॉटजर का बैट फर्स्ट के अंदर 9 मैच में लगभग 600 रन 65 की औसत है, बैट सेकंड के अंदर 6 मैच में 190 रन है 32 की औसत है। पर ये सोचो आप, इसने सोनी के ऊपर किन के खिलाफ खेला है? इन्होंने खेला भाई साहब जो छोटी मोटी टीम्स होती हैं यहाँ पे, एसोसिएट नोशंस नेशंस की टीम होती है, उनके खिलाफ खेला, बड़ी बड़ी टीम्स के खिलाफ यहाँ पे कम खेला है इन्होंने। कोलम मैकलॉड 15 मैच और 57 की औसत है, 628 रन है सोनी के ऊपर, बैट फर्स्ट के अंदर 8 मैच में 500 रन 78 की औसत है, चेस के ऊपर 5 मैच के अंदर 157 रन 31 की औसत है। ओलिवर हैरिस यहाँ पे नहीं खेले हैं। रैची बैरिंगटन 15 मैच 269 रन है, बैट फर्स्ट के अंदर 8 मैच में 138 रन है, चेस के ऊपर 7 मैचों में 131 रन है और 4 विकेट्स हैं। जॉर्ज मंची का 3 मैच में 144 रन 48 की औसत है, बैट फर्स्ट 55 28 है, जिसके ऊपर 61 है, अच्छे स्कोर्स हैं यहाँ पे मंची के। अब यहाँ पे क्रिस ग्रीव्स नहीं खेले, माइकल लीस के यहाँ पे 9 मैच खेले हैं, 2 विकेट है, 113 रन विद द बैट है, बॉल फर्स्ट 4 मैच में 1 विकेट है, बॉल सेकंड 5 मैचों में 1 विकेट है, 7 मैच के अंदर विकेट लेस गया। मार्क वाट 5 मैच में 6 विकेट है, बॉल फर्स्ट 1 मैच में 1 विकेट है, बॉल सेकंड 4 मैचों में 5 विकेट, 1 मैच के अंदर विकेट लेस गया। एलएसडी वांस 11 मैचेस के अंदर यहाँ पर इनका 13 विकेट है और बॉल फर्स्ट के अंदर 4 मैच में 4 विकेट, बॉल सेकंड के अंदर 7 मैचों में 9 विकेट है। शफन शरीफ का यहाँ पे 12 मैचों में 12 विकेट, 44 रन विद द बैट है, आप देख सकते हो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है मैंने, ये देखो आप यहाँ पे, और बॉल फर्स्ट के अंदर 6 मैचों में 8 विकेट है, बॉल सेकंड 6 मैच में 4 विकेट है। क्रिस वॉल 6 मैच में 11 विकेट है, बॉल फर्स्ट 1 मैच में 3, बॉल सेकंड 5 मैचों में 8 विकेट है। न्यूजीलैंड दोस्तों यहाँ पे खेली नहीं है, T20 जरूर खेला है, आपको पता होगा तो फिनल का शतक आया था यहाँ पे, मार्क चैपमैन ने लास्ट मैच में अच्छा करा था, यही वेन्यू है वो। मैचअप्स की बात करते हैं, मैथ क्रॉस का स्ट्रगल यहाँ पे निशम के सामने, 6 गेंद 7 रन 2 बार आउट हुए हैं, दोनों बार दूसरी बारी के अंदर, लेफ्ट आर्म किसी के सामने फंसते हैं। काइल कॉटजर की बात करेंगे, किसी के सामने मैचअप नहीं है। कूलर मैकलॉड का स्ट्रगल सैटनर के सामने, 10 गेंद 9 रन 1 बार आउट हुए हैं। रैचर्ड बैरिंगटन का स्ट्रगल चूड़ी के सामने, 6 गेंद 4 रन 2 बार आउट हुए हैं, दोनों बार दूसरी बारी में, लास्ट मैच के अंदर सैटनर ने आउट करा था, 16 गेंद में 25 रन तक 1 बार आउट करा है। जॉर्ज मंची वर्सेज इशोड़ी, 8 गेंद 16 रन 2 बार आउट किया, दोनों बार दूसरी बारी में, निशम ने 7 गेंद में 5 रन तक 1 बार आउट करा है। जोन्स को लास्ट मैच में ब्रेसवेल ने आउट करा था, 2 बॉल 0 रन 1 बार आउट किया है। मार्टिन रप्टिल वर्सेज बैरिंगटन, 4 गेंद 11 रन 1 बार आउट किया है। फिन एलन का यहाँ पे दोस्तों मैचअप बनता है गेवन मैन के सामने और मार्क वाट के सामने, देख सकते हो आप। ग्लेन फिलिप्स वर्सेस हमजा ताहिर, 2 गेंद 2 रन 1 बार आउट में, मार्क चैपमैन का नीचे दिया हुआ है। कॉमन कैप्टन मार्टिन गप्टिल, लुक की फर्गसन, बड़ी लीग में बनाओ मार्टिन गप्टिल, ग्लेन फिलिप्स, फिन एलन, मिथ सैटनर अलग जाना, छोड़ी फर्गसन, कुल्ला मकलड़ को रोटेट कर सकते हो। बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे टीम की, तो भाई साहब यहाँ पे मैं मैट हेनरी को लेके जा रहा हूँ, मेरे को दोस्तों इंपॉर्टेंट लगे वो, जब देखो यहाँ पे मार्टिन गप्टिल है, फिन एलन है, माइकल ब्रेसवेल है, स्मिथ सैटनर, इशोड़ी, मैट हेनरी, लुकी फर्गसन, गेवन मैन, यहाँ पे क्रिस ग्रीव्स भी मैंने ले रखा है, अच्छे खिलाड़ी हैं यार वैसे तो गेवन मैन, या तो आप यहाँ पे इसको भी ले सकते हो मार्क वाट को, ही कैन बैट, गेवन मैन भी बैट कर सकते हैं, वही फायदा दोनों को, पर ज़्यादा ओवर मार्क वाट डालेंगे 10 के 10, ये चीज़ मैं आपसे कह सकता हूँ। गेवन मैन अगर की कुटाई हो जाती है ना उनकी, तो उनके 1-2 ओवर कट सकते हैं वहाँ पे। टॉम लैथम दोस्तों अच्छे पिक है, मैं कहूँगा ग्लेन फिलिप्स के ऊपर आप इनको प्रीफर कर सकते हो, चाहे तो मैट क्रॉस भी अच्छे बैटर है, ओपन कर सकते हैं, चांसेस बन रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। मार्टिन गप्टिल इंपॉर्टेंट है, बैरिंगटन दोस्तों आपके ऊपर डिपेंड करेगा, ग्लेन फिलिप्स दोस्तों एक अच्छे खिलाड़ी हैं जो हमेशा कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करते हैं, विद द बॉल भी 3-4 ओवर तो डालेंगे और विद द बैट भी कुछ ना कुछ पॉइंट देने की कोशिश करेंगे, अगर इनको बैट करने का मौका मिला तो, नहीं मिला तो दोस्तों मेरे को लगता नहीं इतना नीचे इनको मौका मिल पाएगा। फिर यहाँ पे फिन एलन यहाँ पे एक अच्छी खिलाड़ी हैं जो ओपनिंग करेंगे, कुलम मैकलॉड दोस्तों इंपॉर्टेंट रहेंगे मेरे लिए, दम है इस बंदे के अंदर, सही टेक्निक से खेलता है, मंची थोड़े रिस्की हैं लेकिन वेन्यू पे अच्छा करा है, और मिडिल फेस के अंदर यार स्पिन थ्रेट रहेगा इनके ऊपर, ब्रेसवेल का थ्रेट रहेगा, वहाँ पर थ्रेट रहेगा सैटनर का, शोड़ी का, तो दिक्कत हो सकती है, यानी निकलते नीचे खेल रहे हैं। विल यंग ये भाई साहब बड़ा प्लेयर है मेरे लिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, क्रेडिट पे मत जाना, 8 क्रेडिट में आप सोचोगे यार क्या प्लेयर है करके, इसमें क्लास है, विलियम के अंदर दोस्तों बहुत अच्छा खेलता है। काइल कॉटजर भी अच्छे खिलाड़ी हैं, फॉर्म कंसर्न है। मार्सेल जोन्स ने दोस्तों डरम के लिए खेला, हाई लेवल के ऊपर इनको एक्सपीरियंस है, इज अ स्मार्ट प्लेयर, लास्ट में मैंने पिक भी करा था, 0 पे आउट हुआ था, कोई बात नहीं चलता है। बात करते हैं ब्रेसवेल की, इंपॉर्टेंट है, 7-8 ओवर तो डालेंगे इस मैच में, अगर ये फिफ्थ बॉलर के तौर पे खेलते हैं तो शफन शरीफ आपके ऊपर डिपेंड करेगा। मैं सैटनर इंपॉर्टेंट लगे मुझे, क्रिस ग्रीव्स भी इंपॉर्टेंट है जो विद द बैट विद द बॉल कुछ ना कुछ पॉइंट दे सकते हैं, इशोड़ी इंपॉर्टेंट है, फर्गसन इंपॉर्टेंट है, मार्क वाट दोस्तों एक अच्छे खिलाड़ी हैं, गेवन मैन डेप्थ में आ सकते हैं, मैट हेनरी इंपॉर्टेंट है, हमजा ताहिर इंपॉर्टेंट है, ग्रैंड लीग के अंदर हमजा ताहिर को रोटेट करना, और एलएसडी रावंस बॉल फर्स्ट में ट्राई कर सकते हो। और कोई भी फर्दर अपडेट्स आई दे दूंगा टेलीग्राम के ऊपर कैसे जुड़ना है, लिंक ऑफ द टेलीग्राम चैनल कमेंट सेक्शन के अंदर नीचे सबसे टॉप पे पिन करा हुआ मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, या फिर आप क्या करना दोस्तों प्ले स्टोर पर जाना, सर्च करना स्टैट्स गुरुजी, आपको वहाँ पे सारे स्टैट्स रिटर्न फॉर्मेट में मिल जाएंगे लिखे हुए, ठीक है, तो डाउनलोड करिए उस ऐप को, देखते रहे स्टैट्स गुरुजी, आप हो तो मैं हूँ, जय हिंद जय जवान जय किसान।